और खबर काला ढूंगी से है, जहां तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत पकड़िया महोली बीट में बोर नदी में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जहां पर प्रभाग के एसडीओ और एसओजी ने खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया है। छापेमार की टीम पहुंचने से खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई है। प्रभाग के डीएफओ वैभव कुमार सिंह के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। एसडीओ शशि देव और एसओजी प्रभारी कैलाश चंद्र तिवारी ने अपनी टीम सहित पीपल पड़ाव और वरहिनी रंज कर्मियों के साथ में पकड़िया मोहली और बोर नदी का घेराव किया। वन विभाग की टीम को देखते ही खनन माफिया मौके से फरार हो गए। उपप्रभागी वनाधिकारी महोदया के साथ रात्रि गश्त में था, तभी तिलपुरी डैम के ऊपर मुझे मुगिर खास द्वारा सूचना दी गई कि बोर नदी में खनन हो रहा है। आता देख उन्हें ट्रॉली खाली का भागने का प्रयास किया, हमने उनको भागने का प्रयास विफल कर दिया। मौके पर पहुंचे तो 2 ट्रॉलियों से उन्हें रेता खाली कर दिया था, 1 ट्रॉली में 10-15 क्विंटल रेता बचा था।